झोली और हंसी चिटोली आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम सद्भाव से रहने का संदेश देने वाला यह त्योहार रंगों का पर्व है। होली यानी नकारात्मक ऊर्जा को हराकर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का त्योहार है। होली का दहन की बात करें तो सुबह 9:56 से रात 11:14 तक भद्रा रहेगी। इस कारण होली का दहन शुभ मुहूर्त भद्रा के बाद रात 11:14 से मध्य रात्रि 12:14 तक रहने वाला है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। जयपुर से तस्वीरें हैं, सिटी पैलेस से तस्वीरें हैं, जहां मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है क्योंकि लगभग अब से 1 घंटे बाद होली का दहन होगी। और जयपुर की अपनी एक परंपरा है, जयपुर की परंपरा है कि सिटी पैलेस में जो होली का दहन होगी इसी की चिंगारी पूरे परकोटे में जाएगी और उसी चिंगारी से वहां का होली का दहन किया जाएगा। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, आज आधुनिक युग में भी इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस दौरान राज परिवार मौजूद रहता है। मेरी सहयोगी तृप्ति जुड़ गए। तृप्ति, एक परंपरा है जिसको सदियों से निभाया जा रहा है, राज परिवार की मौजूदगी में जो होली का दहन होता है यहीं से अग्नि पूरे परकोटे में जाती है और फिर वहां होली का दहन मनाया जाता है। तो जरा बताइए सिटी पैलेस में होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? विजेंद्र, सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली और हमारे सभी दर्शकों को हैप्पी होली। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राज परिवार की होलिका दहन की जो तैयारियां हो रही है वो भी आपको दिखाऊंगी। सिटी पैलेस में मैं मौजूद हूँ। मैं बताना चाहूंगी 11:15 का जो शुभ मुहूर्त है वो यहाँ पर है। और आपने सही कहा कि ये जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है कि सबसे पहला होलिका दहन जो होता है वो राज परिवार की ओर से होता है और उसके बाद में यहाँ की जो अग्नि है वो पूरे परकोटे में जाती है। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे छोटी काशी की मैं बात करूँ तो उसी के बाद में हर जगह पर होली का दहन जो होता है वो बाद में होता है। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके की तैयारियां जो है वो यहाँ पर अभी हो रही हैं। कुछ देर का और समय और उसके बाद में छोटी काशी में होली का दहन जो है वो मनाया जाएगा। खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार होली है जिसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर राज परिवार की ओर से की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हर किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि जो सैलानी है उन्हें भी VIP गेट से एंट्री मिलेगी, वो ये होली का दहन देख पाएंगे। क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि छोटी काशी का हर एक त्यौहार जो है वो बहुत ही खूबसूरती से मनाया जाता है और देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जो सैलानी है उन्हें अभी बाहर ही रोका जा रहा है, 11 बजे बाद VIP गेट से वो आकर इस होलिका दहन को देख सकेंगे, मनोकामनाएं मांग सकेंगे। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो कह सकते हैं जयपुराइट्स हैं, वो भी यहाँ पर अभी सिटी पैलेस के बाहर मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं कि कब 11 बजे का समय हो, 11:15 का समय हो और वो इस होलिका दहन को देख पाएं। जी विजेंद्र, बिल्कुल तृप्ति, क्योंकि इसका भी एक कंपटीशन होता है कि कौन यहाँ से सबसे तेजी से अग्नि को लेकर जाएगा और अपने वहाँ होली का दहन करेगा। लेकिन हर बार एक और परंपरा होती है, परंपरा होती है कि VIP गेस्ट कुछ होते हैं जो विदेशों से आते हैं, जो इस होली का हिस्सा होते हैं। इस बार कुछ जानकारी लग पाई कि कौन कौन VIP गेस्ट हो सकता है या जो सैलानी है वही VIP गेस्ट होंगे? बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि जो मेरे कैमरामैन है वो थोड़ा सा कैमरा जूम करें और आपको दिखाएं उस गेट की तस्वीरें जहाँ से VIP एंट्रीज हो रही हैं। मैं अभी, हो सकता है विजेंद्र आपको आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन यहाँ पर गाने बजाने की और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की आवाज़ भी यहाँ पर आ रही है, जो कि अंदर प्रॉपर एक कार्यक्रम किया जा रहा है और उसको दिखाने के लिए यहाँ से बाकायदा ई-रिक्शाज हैं और कुछ साधन है जिससे VIP एंट्रीज अंदर करवाई जा रही है। और थोड़ी देर की समय, थोड़ी मतलब कह सकते हैं 11 बजे का वो समय जब ये सारे VIPs इन्हीं चेयर्स पे आकर यहाँ पर बैठेंगे, जो यहाँ पर सोफे लगे हुए हैं उन पर बैठेंगे और बकायदा पूरी पूजा की जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन आपको यहाँ की पूजा की तस्वीरें भी दिखाएं कि पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है, जो कि थोड़ी देर बाद उस पूजा यहाँ पर होगी, होलिका दहन यहाँ पर होगी और उसका इंतजार सभी को है। जयपुराइट्स तो बाहर है ही, सैलानी भी अभी कुछ जो हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं कि 11 बजे जो सैलानी यहाँ पर जयपुर के हैं उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी और वो बाकायदा इस पूरे होलिका दहन को देख पाएंगे, यहाँ की संस्कृति को पहचान पाएंगे जिसको देखने के लिए वो दूर दूर से यहाँ पर मौजूद हैं। राज परिवार की होली वैसे भी विजेंद्र काफ़ी खास मानी जाती है क्योंकि गुलाल गोटे जो कि सिर्फ जयपुर में मिलते हैं, राजस्थान में और उसके बाद में पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर लोग
उन गुलाल गोटों को खरीदने का ऑर्डर्स भी यहाँ से देते हैं, तो वो यहीं की परंपरा है जो अभी तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी शायद, क्योंकि जिस तरीके की खुशी और जिस तरीके के उल्लास के साथ में छोटी काशी में हर त्यौहार मनाया जाता है, होली भी बिल्कुल उसी तरीके से मनाने का प्रयास जो है वो जयपुराइट्स कर रहे हैं। और कह सकते हैं सभी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत हैप्पी होली और बहुत अच्छी होली जयपुर में इस बार भी मनाई जाएगी। जी विजेंद्र। अजय तृप्ति, एक और सवाल, जो होलिका दहन होगा क्या वो राज परिवार की तरफ से किया जाएगा या पुजारी की तरफ से? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसको लेकर। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि राज परिवार की तरफ से ही ये होलिका दहन का जो कार्यक्रम है पूरा होगा, जो सारे रिचुअल्स हैं वो राज परिवार की तरफ से ही निभाए जाएंगे और बाकी थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। देखना बहुत लाजमी होगा कि कौन करता है, पुजारी करते हैं या राज परिवार खुद यहाँ पर मौजूद रहेगा, थोड़ी देर में वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ हैं विजेंद्र, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज परिवार यहाँ पर ज़रूर मौजूद रहेगा। बिल्कुल तृप्ति, क्योंकि पूजा अर्चना की तैयारियाँ वहाँ की जा रही हैं। हम आपका रुख वापस करेंगे, जोधपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, शायद कई बार ऐसा हो चुका है कि रात को होलिका दहन हो रहा है, वरना आप भी बचपन में दिन में शाम को ही होलिका दहन देखते आए हैं, हम भी देखते आए हैं, लेकिन मुहूर्त बदलते हैं, तो जरा बताइए जोधपुर का मुहूर्त क्या है और आपको दिल से होली की मुबारकबाद। होली की तो सभी को शुभकामनाएं, और सबसे बड़ी बात है कल चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत पर उसका असर नहीं पड़ेगा। मतलब उसकी ठीक इस समय की अगर बेला की बात करें तो इस बार जो मुहूर्त है वो कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद का मुहूर्त है, और 12:30 से 12:15 से पहले पहले का। लेकिन आपको हम हमेशा सूर्य नगरी से कुछ नया दिखाते हैं, आज भी करोड़ों जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शक हैं उनको दिखाते हैं। आपने ऐसी जिस तरीके से तस्वीर है शायद ही कहीं देखी होगी, जो होलिका दहन में जिस तरीके से 1,00,000 रुपए से ज़्यादा की कीमत से पूरे जो मोहल्लेवासी हैं तमाम देखिए सेवक भवन सिंह तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लोग कितना उत्साह के साथ में कोशिश करते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, एक्ट्रेस के साथ समझ में आता है, एक्टर के साथ समझ में आता है, नरेंद्र मोदी के साथ समझ में आता है, लेकिन होलिका के साथ सेल्फी का जो क्रेज चल पड़ा ये अपने आप में बहुत अलग है। इस वक्त जो शहर के विधायक अतुल बंसाली हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब बात करें होली की, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, किस रूप में देखते हैं होलिका दहन को आप? पहले तो सभी राजस्थान वासियों और फर्स्ट टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को होली की राम राम। आज यो ये अदर शिला जो एक जोधपुर का एक अद्भुत मंदिर है, जो एक शिला के ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है और बाबा रामदेव की आस्था की भूमि है, उसी चौक में जो ये होलिका का रूप और जिस तरह से उन पूरे मोहल्लेवासी हर साल बहुत मेहनत करके इसको बनाते हैं, और आप देखिए इस जो होलिका है जब दहन होगा तब बच्चा स्वतः बाहर आ जाएगा, भक्त प्रहलाद जो है वो बाहर आ जाएगा और होलिका होली के साथ पूरी जल जाएगी। और जो ये आस्था का विषय है और जो धार्मिक आस्था है वो लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है और एक सजीव चित्रण के माध्यम से हमारे सबके सामने आ रही है। आप देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से, लेकिन जिन्होंने मेहनत की जरा उनसे बात करना पड़ेगा क्योंकि लोगों का उत्साह अपार है, क्षेत्र के महिलाएं हो बच्चे हो सभी ने जिस तरीके से, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है कि वाकई में होलिका को जीवंत बनाया गया है, एकदम जीवंत, और गोद में प्रहलाद भी जीवंत है, तो जब होलिका दहन होगा तो प्रहलाद को किस तरीके से बचाया जाएगा, कौन बचाएगा? इसमें हमने सभी ने तय किया कि 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हटके हमने होलिका दहन का प्रोग्राम करें। आप तो पहले ये बताएं कि जब दहन होगा तो प्रहलाद को कैसे बचाया, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल कि वो तो घूम रही है, कैसे बचाएंगे? प्रहलाद को बचा लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, और इसको कम से कम हम 5 साल से सोच रहे हैं कि कुछ हटके हम इसको होलिका दहन का ये प्रोग्राम करें, तो पिछले 2 साल से हम घूमती हुई होली का ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे पूरे कार्यकारी मंडल जो भी नवयुवक मंडल है सभी की भरसक कोशिश के तीन दिन से कोशिश से ये तैयार हुआ है और लगभग इसकी कीमत प्रहलाद को तो बचा लेंगे, नवयुवक है इसमें हमारे, तो ये अपने आप कहीं ना कहीं एक रहस्य भी है, जरा बात कर बताओ कैसे देखते हैं पहली बार इस तरह का आयोजन? ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है, ये जलोरबास और अदर शिला टीम हमारे पूरी बाबा रामदेव के भगत हैं पूरे, ये बरसों की मेहनत है, इन्होंने बहुत ही शानदार मोटर तैयार की है, मोटर से ये इलेक्ट्रिक पूरी होलिका तैयार की है, और इसको क्या है कि एक प्रथा है कि इसको जो जिसकी शादी होनी है वो उसको प्रहलाद को बचाएगा, तो जो कमारा लड़कों का भी चयन कर लेंगे हम वो निकालेंगे। लेकिन देखिए नीचे से देखिए किस तरीके से बिल्कुल राजीव जी, हमें तो बने रहना है क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज देश भर के अंदर
अगर होलिका दहन को लेकर कंपटीशन होता और प्राइज मिलता तो जोधपुर को यकीनन मिलता, क्योंकि होलिका दहन प्रतीक नहीं है, जीवंत दृश्य। देखिए निश्चित रूप से उत्साह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये जो होली है निराली है, अनूठी है, सबसे अलग है। राजस्थान में जितने भी होलियां हैं उन सबसे आप अलग देखिए कि आपने होली को इस तरीके से जलने से पहले इस तरह से नाचते हुए नहीं देखा होगा, झूमते हुए नहीं देखा होगा, घूमते हुए नहीं देखा होगा। आप देखिए कि चारों तरफ जो मनोचित्र दिखा रहे हैं कि कोई सेल्फी ले रहा है और कोई रील बना रहा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक जिस तरीके से उपकरणों का सही उपयोग तरीके से आज देखिए चारों तरफ जिस तरीके से ये तस्वीर है, ये उत्साह देखिए, उत्साह चरम पर है। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के पहुंची हैं, परिवार के परिवार जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये खूबसूरती इस त्यौहार की है। सबसे बड़ी बात है कि जालोरिया का बास में ये जो आयोजन होता है बहुत अनूठा होता है। इसको जिस जिसने तैयार किया है उनमें कितना कैसे दिमाग में आया कि ऐसे आप को तैयार करना चाहिए? पिछले साल भी हमने कुछ इसी प्रकार की होली मनाई थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उस टाइम भी हमने इसी प्रकार की होली मनाई थी कम से कम, और इसी प्रकार हम कम से कम एक महीने पहले होली को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब होली का त्यौहार आता है तब हमारी सजावट होती है। कैसे तैयार किया सर? हमने बहुत मेहनत की है इसमें, और बाद से मोटरें मंगाई, पूरी बहुत मेहनत है की लगभग कितना खर्च आया होगा, किस तरीके से प्रहलाद को बचाएंगे? सब मोहल्लों वालों का प्रेम है इस चीज में, पैसा इसमें हम नहीं देखते। सब मोहल्ला वाला, सब भाई बंधु, सब एक होके बैठ के बनाते हैं। 15 दिन पहले इसको देखा था हम लोगों ने, हर साल की बात, इस साल भी हमने ये बनाई है ये चीज। उत्साह, कितनी खुशी है। नमस्कार, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मीडिया माध्यम का, और ये मैं कहना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मतलब 2 से 5 साल हो गए यहाँ कार्यक्रम करते हुए, तो यहाँ का पूरे जोधपुर के अंदर ऐसा कार्यक्रम कहीं भी नहीं होता है और यहीं पे ही होता है। आप देखिए तस्वीरें, देखिए भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ जो परिवार के जो लोग हैं, इस मोहल्ले के जो लोग हैं, यहाँ टूट पड़े हैं उत्साह और उमंग के साथ में। और ये तस्वीर आप देख भी सकते हैं, कुछ देर बाद में मुहूर्त के आधार पर जब इसका उनका दहन होगा। देखिए घरों के अंदर से जहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि भवन सिंह और महिलाएं भी यहाँ पर जिस तरीके से आप अलग तरह की होली की पूजा अर्चना करना, कैसा लगे? बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता, अच्छा लगता है बहुत। ये हमारा हर साल ऐसा ही होता है, कितने सालों से, 15 सालों से ऐसा ही हो रहा है। जबरदस्त है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उत्साह कितना ज्यादा देखा जा रहा है, क्या किस तरह का एक्साइटमेंट है होली का दहन को लेकर के। देखिए कम से कम चूंकि क्या अपनी तरह की अलग होली, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं कैमरा देख करके भले लोग नहीं बोल रहे, लेकिन देखिए उत्साह, देखिए चारों तरफ जिस तरीके से उत्साह, जिस तरीके से देख पा, महिलाएं जो है इस तरीके से सेल्फी ले रही है, फोटो खिंचवा रही है, और बड़ी बात यह क्या इस मोहल्ले में ये अपनी तरह की अलग होली होती, क्या कहेंगे? अलग होती है, हटके होती है, काफी हटके होती है और देखने लायक होती है, काफी जगह से लोग आते हैं देखने के लिए। देखने को मिल रहा है कि हर किसी के हाथ में फोन है, सभी इसको कैप्चर करना चाहते हैं अपने फोन में, जिस तरह से आप बता भी रहे थे, सेल्फी लेना, रील्स बनाना। अच्छा राजीव, आपका रुक करेंगे।